शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नांदगांव चौक पर हरिओम एग्रो ट्रेडर्स पर छापेमारी के दौरान लगभग 3,43,660 रुपए मूल्य के फर्जी खाद जब्त की गई है। रविवार को जिला कृषि अधीक्षक के जिला गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक द्वारा यह कार्रवाई की गई है। 21 तारीख की दोपहर 12:30 बजे कार्रवाई के बाद सोमवार की देर रात पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, तब कृषि विभाग द्वारा की गई कार्रवाई संदिग्ध हो गई है। घटनास्थल से कृषि केंद्र के संचालक गजानन सुभाष पूर्ण फरार हो गए। पुलिस की कार्रवाई के दौरान डिलीवरी ट्रक को भी जब्त किया गया। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना के बाद गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक परमेश्वर घायतिलक द्वारा कार्रवाई की गई और उस समय स्थानीय कृषि अधिकारी भी मौजूद थे। खत की कालाबाजारी की जा रही है और तहसील में बड़ी मात्रा में फर्जी खत बेचे जा रहे हैं। तहसील में यह मौसम में पहली बार इस तरह की कार्रवाई की गई। बनावट रासायनिक खत और कीटनाशक विक्रेताओं में अब घबराहट का वातावरण निर्माण हुआ। अज्ञात किस्म के जानकारी के आधार पर जिले के कृषि अधीक्षक के कार्यालय से गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक घायतिलक को वर्धा से भेजा गया। हिंगनघाट उप विभागीय के कृषि अधिकारी और कर्मचारी सहभागी थे। जानकारी के आधार पर वर्धा से भेजा गया थे हरिओम एग्रो ट्रेडर्स, यहाँ छापा मारा गया। इस कार्रवाई में नांदेड़ स्थित कृषि भंडार, इस कंपनी के संयुक्त ग्रेड गोदावरी और जय किसान फर्टिलाइजर एवं एंड केमिकल स्टॉप सेंटर गोरेगांव मुंबई, इस कंपनी के मिश्र खत जय समर्थ, ये बोगस खत बिक्री करते हुए मालूम हुआ। निरीक्षण करते समय नकली खाद से भरे ट्रक नंबर MH 32AJ 3373 का ड्राइवर वाहन को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रक के आगे कार्रवाई पथक का वाहन लगा दिया, तब ट्रक को पलायन करते नहीं आया। ट्रक से 149 बैग और 168 बैग जब्त की गई। बैगों पर वजन और बैच नंबर नहीं लिखा था और अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से माल नहीं खरीदा गया था। दिनांक 21/6/2020 रोजी मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार हिंगणघाट येथील हरिओम ॲग्रो ट्रेडर्स या कृषी केंद्रातून शेतकऱ्यांना बोगस खते 10/26/26 आणि 18/18/10 याची विक्री होत असलेल्याची माहिती मिळाली। या माहितीच्या अनुषंगाने 21/6/2020 आम्ही तालुकास्तरीय भरारी पथक यांच्या माध्यमातून दुपारी 12:33 वाजता सदर दुकानामध्ये छापा टाकून नांदेड कृषी भंडार या कंपनीचे 10/26/26 आणि जय किसान फर्टिलायझर्स आणि केमिकल्स मुंबई या बोगस कंपनीचे 18/18/10 149 बॅग अशा एकूण 317 बॅग जप्त केल्या। याचा एकूण साठा हा 3,42,660 रुपयाचा एकूण साठा जप्त करून तो पंचायत समिती हिंगणघाट येथील शासकीय गोडाऊनमध्ये सीलबंद करण्यात आला आहे। यानंतर सदर हरिओम ॲग्रो ट्रेडर्स दुकानाचे मालक गजानन पुंड यांच्यावरती हिंगणघाट येथील पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंद केलेला आहे। त्यांच्यावरती भारतीय दंडसंहिता 1860 चे 420 35 असे कलम लावण्यात आलेले आहे। तसेच रासायनिक खते नियंत्रण आदेश 1985 त्यातील कलम 7, 8 व 19 हे कलम लावण्यात आलेले आहे। तसेच जीवनावश्यक अत्यावश्यक सुविधा याचे 1955 अंतर्गतही त्यांच्यावरती गुन्हे नोंद करण्यात आलेले आहेत। सदर गुन्ह्याचा तपास हा परमेश्वर आगासे पोलीस उपनिरीक्षक हे करत आहेत। एनबीसीएन न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी एनोरकर की रिपोर्ट।